सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो सत्र शुरू हो रहा है, सरकार विपक्ष का सामना नहीं करना चाहती है। सरकार इतने कम समय के लिए जो ये सेशन चला रही है, इसका मतलब सरकार विपक्ष के सवालों से बचना चाहती है। विपक्ष के सभी सवालों का जवाब सरकार दे, इसी से लोकतंत्र मजबूत होगा, इसी से जनता की जो तमाम समस्याएं हैं उनके बारे में जनता को आखिरकार सरकार क्या कर रही है सुनने को मिलेगा। ये जनता के सवालों से सरकार भागना चाहती है, इसीलिए इस सत्र का समय बहुत कम रखा गया है। जिस सरकार ने पहले भी खर्च पैसा ना किया हो, जो सुविधाएं देनी चाहिए थी सरकार को, चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा पूरी तरीके से बर्बाद है, जिला अस्पतालों में इलाज नहीं है, बड़े दावे देते थे मेडिकल कॉलेजेस में, वहाँ इलाज नहीं मिल पा रहा है, पढ़ाई बर्बाद हो गई है, प्राइमरी स्कूल में कोई एडमिशन लेने नहीं आ रहा है, इंटर कॉलेजेस की दुर्दशा है, वहाँ कौन सी पढ़ाई कराने जा रही है सरकार, जो ग्रेजुएट बच्चे हैं उनकी कोई सुनवाई नहीं है, जिन बच्चों को आरक्षण के नियमों के तहत नौकरी मिल जानी चाहिए थी, 69,000 वाले बच्चे लगातार आंदोलन कर रहे हैं। आखिरकार सरकार क्या कर रही है? सरकार के हर स्तर पर वो छात्र नौजवान अपनी मांगों को लेकर के मिले हैं, आज भी समस्या का समाधान नहीं है। जानवर वैसे ही सड़कों पे घूम रहे हैं, बिजली उतनी ही महंगी है। अगर जो दावा करते थे इन्वेस्टमेंट कहीं नहीं दिख रहा है। सड़कों पर एक महीने में गड्ढा मुक्त हो जाएंगी, फिर इतने महीने बाद गड्ढा मुक्त हो जाएंगी, आज तक इतनी बार समय बढ़ाने के बाद भी सड़कें गड्ढा मुक्त नहीं हुई हैं, सड़कों पर वैसे ही गड्ढे हैं। और जो ग्रामीण अंचल में हमारे किसानों को जो लाभ मिल जाना चाहिए, गन्ने की रेट नहीं बढ़ाई इन्होंने, धान नहीं खरीदा अभी तक, कोई इंतजाम नहीं किया, और जानवर से आज भी लोगों की, किसानों की जान जा रही है। तो इस सरकार के सामने कोई रास्ता नहीं है, सरकार इसीलिए इतना छोटा सत्र बुलाई है।